इंडिया के इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम की उलझनों का हल मिल गया है। आने वाले 2 दशकों में जब भारत अपनी एयरफोर्स और नेवी के लिए 350 के करीब फाइटर जेट बनाएगा, तब उनमें कौन सा जेट इंजन इस्तेमाल होगा। दरअसल 80 के दशक में जब भारत ने अपने पहले फाइटर जेट प्रोग्राम को शुरू किया था, तब भी उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था। लेकिन अब जब भारत तेजस के नए वर्जन और भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का निर्माण शुरू कर रहा है, ऐसे में उसे पता है कि इन्हें ताकत देने के लिए कौन सा जेट इंजन लगाना होगा। अमेरिका की मदद से भारत देश में ही विश्व के सबसे पावरफुल माने जाने वाले जेट इंजन का निर्माण करेगा। 22 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, तब इस डील पर मुहर लग सकती है। इन जेट इंजनों को भारत में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग फाइटर जेट में यूज़ किया जा सकता है। क्या है इन जेट इंजनों की खास बात और भारत क्यों इन जेट इंजनों को खरीद रहा है, आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं अंकित और आप हैं मंच पर। भारत और अमेरिका जल्द जीई के फाइटर जेट इंजन की खरीद के लिए डील साइन कर सकते हैं। अमेरिकी कंपनी जीई एविएशन के बनाए जीई एफ 414-400 इंजनों का निर्माण भारत में ही 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आधार पर होगा। जीई एविएशन और एचएएल के बीच डील पर इसी महीने अमेरिका में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान मुहर लग सकती है। इंडिया पहले से ही जीई एविएशन के जीई एफ 404 इंजन का इस्तेमाल तेजस के Mk1 फाइटर जेट में कर रहा है, लेकिन नया जेट इंजन और भी ज़्यादा पावरफुल है। आइए अब जानते हैं कि इस जेट इंजन में क्या खास है और भारत इन्हें आखिर क्यों खरीद रहा है। जीई एफ 404-400 इंजन की मैक्सिमम पावर 22,000 पाउंड्स के आसपास है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 9:1 है। इसमें एडवांस कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इंजन कंट्रोल, एडवांस इंजन एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज हैं। इसके अलावा इस इंजन को कई और भी जेट इंजनों में पहले से ही यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि F-18 सुपर हॉर्नेट, बोइंग E-18G ग्रोलर, साब ग्रिपन NG, साउथ कोरिया के KAI KF-21 और नासा X-59। भारत ने अपने फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए GE के ही इंजन को क्यों चुना, आइए ये भी जान लेते हैं। इस सीरीज के 1600 से ज़्यादा इंजन अब तक बने हैं, जिनका 18 मिलियन इंजन फ्लाइट आवर्स का टोटल अभी तक टाइम है। लाइफ साइकिल में भी कम कॉस्ट मेंटेनेंस है और 8 ऐसे देश हैं जो अपने फाइटर जेट में इस इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के लिए ये इंजन इतना अहम क्यों है, ये भी जानते हैं। दरअसल भारत सरकार बीते कई दशकों से हथियारों के लिए रशिया पर निर्भर रहा है। टैंक से लेकर सबमरीन और फाइटर जेट खरीदने में भारत की हमेशा रशिया ने ही मदद की है। आज भी रशिया से ही भारत सबसे ज़्यादा हथियार और युद्धक उपकरणों की खरीद करता है, लेकिन बीते 1 साल में जब से रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, रूसी हथियारों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इस बीच रूस से आयातित हथियारों के मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स को लेकर भी सेना को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भारत अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों को इंडिजीनियस तरीके से डेवलप करने पर फोकस कर रहा है। साथ ही यह भी कोशिश रहती है कि इनका निर्माण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आधार पर देश में ही हो। खासकर तेजस प्रोग्राम को पूरा करने में हुई देरी भी इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि इसके लिए एक सूटेबल जेट इंजन का निर्माण कैसे हो, ये भारत के सामने बड़ा सवाल रहा है। भारत अब 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिसके लिए उसे एक बेहद पावरफुल फाइटर जेट इंजन की ज़रूरत थी। इसी के चलते भारत ने अमेरिकी कंपनी जीई एविएशन के इस नए इंजन की खरीद और भारत में ही इसके निर्माण का फैसला लगभग फाइनल कर लिया है। भारत अपने किन प्रोजेक्ट्स में इन इंजनों का प्रयोग करेगा, यह भी आखिर जान लीजिए। तेजस Mk-1A में, तेजस Mk-2 यानी कि जो एडवांस वर्जन है उसमें, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में, इसके साथ ही नेवी के लिए बनने वाले डेक बेस्ड ट्विन इंजन फाइटर जेट के लिए। दरअसल भारत की इस multi-billion-dollar की डील के लिए फाइटर जेट इंजन बनाने वाली विश्व की 2 सबसे बड़ी कंपनियां रॉल्स रॉयस और जेई एविएशन के बीच कड़ी टक्कर चल रही थी, लेकिन अमेरिकी कंपनी जेई एविएशन के साथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर सहमति बन गई। HAL के साथ मिलकर GE एविएशन देश में ही इस इंजन को बनाएगी। LCA तेजस
पहले से ही अपने पुराने वेरिएंट के लिए इसी सीरीज के एक इंजन का इस्तेमाल कर रही है। 2021 में GEF-404 जेट इंजन की खरीद के लिए HAL ने 5,375 करोड़ की डील साइन की थी। वहीं अब एक नया ज़्यादा पावरफुल GEF-414-400 इंजन भी भारत में बनेगा। ऐसे में उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहेगी और क्योंकि इंजन का निर्माण देश में ही हो रहा है तो उसके कंपोनेंट्स में ही देश में ही उपलब्ध रहेंगे। एक और ख़ास बात आपको बताते चलें कि भारत अमेरिका के साथ सिर्फ अपने फाइटर जेट के इंजन के लिए डील साइन नहीं करने जा रहा, बल्कि वह अपनी नेवी के लिए बन रहे शिप्स में लगने वाले इंजन की खरीद का भी पुख्ता इंतजाम करने जा रहा है और अमेरिका के साथ इसकी भी डील साइन कर सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही डिफेंस से जुड़ी नई जानकारियां पाने के लिए मंच की खास सीरीज शौर्य को देखते रहें।